इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या मुद्दा मकसद है? मंजर भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आप यहाँ तक आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो मकसद है वो ये है कि जो आज़ाद साहब आज राज्यसभा से रुखसत हो रहे हैं, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट, रियासत और मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है, तो उनको मुबारकबाद देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए जो नरेंद्र मोदी साहब ने उनकी तारीफ की पार्लियामेंट में, उनके आंसू रुकने रहे थे। मैंने पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से अपोजिशन लीडर के लिए आंसू बहाते हुए देखा है, आज तक नहीं देखा। तो ये हमारे लिए, जिसे डोडा के तमाम आवाम के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फख्र की बात है। तो एक शेर में आज़ाद साहब की नज़र करना चाहता हूँ। हमने अगर रहबरी भी की तो मुल्क के लिए की, हमने अगर रहबरी भी की तो मुल्क के लिए की, हमने अगर कुर्बानियाँ भी दी तो मुल्क के लिए दी। तिनका तिनका फूल फूल से बना है गुलिस्तान, जो दरख्त हमने पार्लियामेंट में लगाया था उसका नाम था सकुर हिंदुस्तान। इसके अलावा अगर हम आज़ाद साहब की सोच की बात करें, तो जहां आज की डेट में छोटी कौमों को कोई सियासतदान पूछते तक नहीं, लेकिन आज़ाद साहब की सोच ने श्यामलाल भगत को असर से MLC मुंतखब किया, और उनके पास जब पैसा नहीं था तो तमाम MLAs और मिनिस्टरों को हिदायत दी कि जितना भी पैसा इसके किराए के ऊपर लगेगा, इसके कपड़ों के ऊपर लगेगा, वो सारा खर्च करो और इसको आगे लाना है। उनकी सोच सेकुलर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बराबर चलाना है, छोटे तबकों को ऊपर लाना है। तो इसके लिए भी उनको मुबारकबाद में पेश करता हूँ। इसके अलावा जहाँ किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट के लिए कई कुर्बानियाँ लोगों ने दी, तो आज़ाद साहब ने बिन मांगे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को डिस्ट्रिक्ट दिया, रामबन को डिस्ट्रिक्ट दिया, और क्या कहते हैं गढ़ को मेडिकल कॉलेज दिया। इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा जब हम आज़ाद साहब के पास हमारा जो मुस्लिम मोची कम्युनिटी का डेप्यूटेशन लेकर गए, कई मंत्री बैठे थे उनके पास, उनको कहा कि मेरे घर से लोग आए हैं, और उन मंत्रियों को छोड़कर हमारे साथ बात करने के लिए बाहर आए और कई घंटों तक हमारी बात सुनी और हमारी यकीन दिलाई भी कराई। उसके अलावा जो म्यूनसिपल कमेटी के में कुछ जो डेली विजर जो मुलाजमीन थे, उनकी जो तनख्वाहें बंद पड़ी थी, उसके लिए भी NN जोरा लद्दाख के उस वक्त क्या कहते हैं अर्बन डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर थे, उनको भी लेटर लिखा, इवन की फ़ोन भी किया कि मेरे लोग यहाँ से आ रहे हैं और इनका जो मसला है वो सुनो और उसे क्या कहते हैं पाए तक मिल तक पहुँचाओ। अब हमारी आज़ाद साहब से गुजारिश है कि उन्होंने अपना वक्त देश को दे दिया, पूरे हिंदुस्तान को दिया, अब रियासत जम्मू व कश्मीर के यूथ को उनकी ज़रूरत है। हम गुजारिश करते हैं आज़ाद साहब को कि अब वो इस तरफ भी थोड़ा सा नज़र दें, जो रियासत में खस्ताहाली है, जो रियासत में जैसे स्टेटहुड हमसे छिना गया उसको भी बहाल कराएं, और रियासत में जो कहीं काफ़ी देर से जो असम्बली भंग पड़ी है उसे भी बहाल कराने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें तभी मुमकिन होंगी जब आज़ाद साहब रियासत में आएंगे। उनके आखिर में मैं एक शेर उनकी नज़र और आज़ाद साहब की नज़र करना चाहता हूँ कि हम सायेदार पेड़ ज़माने के काम आए, हम सायेदार पेड़ ज़माने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए, और अभी तलवार की नईम फेंकना नहीं, और अभी तलवार की नईम को फेंकना नहीं, मुमकिन है दुश्मन को डराने के काम आए, और कच्चा समझकर मकान को बेच न देना, कच्चा समझकर मकान को बेच न देना, मुमकिन है कभी सर छुपाने के काम आए।